प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पिछले दो वर्ष से लंबित प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के लंबित है। उसके कम से कम 4 से 5 बार निदेशालय द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई भी हमारी प्रोविजनल सूची जारी नहीं की है, जबकि हम लगातार COVID-19 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय की निःशुल्क जाँच योजना जो जन कल्याणकारी जन उपयोगी थी, उसमें हम 2013 से 7 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद हम 2018 में सरकार द्वारा प्रयोगशाला सहायक भर्ती निकाली गई, जिसमें दस्तावेज सत्यापन 4 से 5 बार कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रोविजनल सूची जारी नहीं की गई। आज पूरे प्रदेश लेवल पर ये काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और आगामी रणनीति, अगर ये 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है, 3 दिन में हमारी मांगें मांगनी जाती हैं, तो हम आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री महोदय जी का और चिकित्सा मंत्री महोदय जी का। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो आगे की रणनीति जो भी होगी वो प्रदेश कार्यकारिणी के मार्गदर्शन पर हम आगे तय करेंगे। तो हमारी ये विनम्र निवेदन है कि हमारी तत्काल प्रभाव से 2018 की पिछले 2 वर्ष से लंबित भर्ती प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो है उसको तत्काल प्रभाव से पूरी करके हमें नियुक्ति प्रदान करें, हमारी प्रोविजनल सूची जारी करें। धन्यवाद। प्रदर्शन किस तरह किया है? काली पट्टी बांध के सर, मैं प्रदेश प्रवक्ता संतोष कुमार गुर्जर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ जो यूटीबी लैब टेक्नीशियन और प्रयोगशाला सहायक हम जो लगे हुए हैं, वो आज काली पट्टी बांध कर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी भी मांगें मानी जाए और हमारी भर्ती को तत्काल प्रभाव से पूरी की जाए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती